दोस्तों, अगर आप एक कैमरा वाला फ़ोन चाहते हैं वो भी 12,000 के आसपास में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको 5 फोन्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनमें आपको अच्छा खासा कैमरा देखने को मिल जाएगा। साथ ही सही फोन में दोस्तों आपको परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल जाएगा, बैटरी और डिस्प्ले भी बढ़िया देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे 5वें नंबर पर आता है Realme Narzo 50, जो दोस्तों आपको 9,999 रुपये में देखने को मिला है, 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं स्पेक्स के बारे में। तो इसमें दोस्तों इसमें आपको मिल जाता है MediaTek Z96, परफॉर्मेंस आपको डिसेंट लेवल का देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको 6.6 का फुल HD प्लस IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, जिसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले भी आपको बढ़िया देखने को मिलता है, 5000mAh की बैटरी के साथ 33W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है, एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाएगा Realme UI के साथ। साथ ही अगर बात करें इसके कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप रियर साइड में देखने को मिलता है, 50MP के साथ 2MP का डेप्थ, 2MP का मैक्रो सेंसर कैमरा। कैमरा यहाँ पर आपको प्राइमरी सेंसर अच्छा फोटो निकाल कर देगा डे लाइट में। HDR पर आप फोटो निकालते हैं तो आपको डिटेलिंग वगैरह आपको बढ़िया देखने को मिल जाएगा, कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलता है प्राइमरी सेंसर से, भले ही आपको डेप्थ सेंसर थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। बाकी सेल्फी शूटर यहाँ पर आपको 16MP का देखने को मिल जाता है। एक बढ़िया फोन दोस्तों सिंगल स्पीकर के साथ देखने को मिलता है, अगर आप इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं, परफॉर्मेंस वगैरह बढ़िया देखने को मिल जाएगा, डे टू डे लाइफ के लिए एक अच्छा फ़ोन है। साथ ही आप कैमरा भी यहाँ पर आपको अच्छा देखने को मिलता है। खैर, आपको लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में। अगर बात करें अगले फ़ोन के बारे में, तो अगला फ़ोन है हम लोग का Redmi 10 Prime, जो कि दोस्तों आपको 10,999 रुपये में देखने को मिलता है, 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। इसके स्पेक्स के बारे में बात करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio Z88 देखने को मिलता है, तो डिसेंट लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, 90Hz का रिफ्रेश के साथ, और Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। बैटरी आपको इस फोन में दोस्तों बहुत ही बड़ी देखने को मिलती है, 6000mAh की, और 18W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है। Android 11 और MIUI देखने को मिल जाता है, साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलता है, बढ़िया फोन है ये भी। और कैमरा के बारे में बात करें, तो कैमरा यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा का सेटअप आपको रियर साइड में देखने को मिलता है, 50, 8 और 2-2-2 का। साथ ही अगर बात करें इसके फोटोज़ के बारे में, तो फोटो आपको बहुत ही डिसेंट लेवल का आता है, एक्सपोजर वगैरह बहुत ही कंट्रोल में रहता है, फोटो आपको बहुत ही सुंदर डिटेलिंग के साथ देखने को मिल जाता है। सेल्फी शूटर यहाँ पर 8MP का देखने को मिलता है, और वीडियो रिकॉर्डिंग आपको 30fps पर देखने को मिलता है, फुल HD वाला वीडियो। तो एक अच्छा कैमरा वाला फ़ोन है ये भी, 11,000 के अंदर आपको अच्छा कैमरा वाला फ़ोन चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हैं। परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक देखने को मिलता है, डिस्प्ले आपको बढ़िया देखने को मिलता है, इवन आपको बैटरी बहुत बड़ी इसमें देखने को मिल जाती है, तो आप इसके साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं। अगले फोन के बारे में बात करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगला फोन हम लोग का पोको M5, जो दोस्तों आपको 10,499 रुपये में देखने को मिलता है, 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। ये फोन एक लेटेस्ट फोन है पोको की तरफ से, अगर आप इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको MediaTek Helio Z99 मिलता है, परफॉर्मेंस आपको टॉप क्लास का देखने को मिल जाएगा, 6.58 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, जिसमें आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, 5MAh की बैटरी और 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। साथ ही इसमें आपको दोस्तों साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। और बात करें अगर कैमरा के बारे में, तो ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है इस फोन में, जो कि दोस्तों आपको शानदार फोटो निकाल कर देता है। 50MP का प्राइमरी सेंसर होगा, साथ ही 2MP का डेप्थ, 2MP का मैक्रो सेंसर होगा, डे लाइट में आपको अच्छा फोटो निकाल कर देता है, साथ ही आपको नाइट मोड भी दिया गया इसमें, तो यहाँ पर आपको नाइट में भी अच्छा खासा फोटो निकाल कर दे देगा प्राइमरी सेंसर। साथ ही आपको 8MP का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है, जो कि आपको अच्छा खासा इंप्रेसिव सेल्फी निकाल कर देगा, और 30fps पर आपको फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी करके देगा। एक बढ़िया फ़ोन है, अगर आप इसके साथ जाना चाहें तो इसके साथ आप जा सकते हैं, गेमिंग वगैरह अच्छा रहने वाला इस फोन में, ऑलराउंडर फीचर्स वाला फ़ोन चाहिए 11,000 के अंदर, तो आप इस फोन के साथ जा सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में। दोस्तों, अगर आप 12,000 से लेकर थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करना चाहें तो Moto Z52 के साथ भी आप जा सकते हैं, इसमें आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है 13,000 के अंदर। इसमें दोस्तों आपको Snapdragon 680 देखने को मिलता है, जो कि आपको दमदार प्रोसेसर देखने को मिलता है, 4G में एक दमदार प्रोसेसर है, गेमिंग वगैरह अच्छा इसमें कर पाएंगे। 6.6 इंच का आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है 90Hz का रिफ्रेश रेट के साथ, तो डिस्प्ले यहाँ पर आपको बढ़िया देखने को मिलता है, कंटेंट वगैरह वॉच करने में अलग ही एक्सपीरियंस रहने वाला इस फोन में। साथ ही दोस्तों बात करें इसके बैटरी के बारे में, तो इसमें आपको 5MAh की बैटरी, 33W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है, डुअल स्पीकर आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा, तो कंटेंट वगैरह वॉच करने में और भी बेहतर एक्सपीरियंस मिलने वाला है। बात करें अगर कैमरा के बारे में, तो इसमें दोस्तों आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, 50, 8 और 2 का, सभी सेंसर आपको बढ़िया फोटो निकाल कर देगा, प्राइमरी सेंसर आपको डे लाइट में हो, फिर HDR हो, नॉर्मल फोटो हो, तो वो भी आपको अच्छा डिटेलिंग के साथ देखने को मिलता है।
अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी आपको अच्छा फोटोज निकाल कर देता है और मैक्रो सेंसर कैमरा भी आपको बढ़िया फोटो निकाल कर देगा। इसमें दोस्तों आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी फीचर देखने को मिलता है जो कि आपको अच्छा फोटो निकाल कर देगा। 30 एफपीएस पर आप फुल एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे इसमें भी। साथ ही दोस्तों एक बढ़िया फोन है, अगर आप इसके साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं। और इसमें आपको एंड्रॉइड 12 मिलेगा जो कि दोस्तों आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलेगा, प्योर एंड्रॉइड देखने को मिलता है। दोस्तों आज के हमारे लिस्ट के नंबर 1 पर आता है सैमसंग गैलेक्सी M32 जो कि दोस्तों आपको एक 4G फोन ही देखने को मिलता है और थोड़ा सा पुराना फोन देखने को मिलता है, 2021 का देखने को मिल जाता है। 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज आपको 12,499 रुपये में देखने को मिल जाता है। साथ ही बात करें इसके स्पेक्स के बारे में तो MediaTek Helio G80 देखने को मिलता है। नॉर्मल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, गेमिंग अगर करना चाहें इस फोन में तो हैवी गेमर के लिए नहीं है यह फ़ोन, नॉर्मल परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको दोस्तों 90Hz का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन के साथ। बैटरी आपको इसमें आपको बहुत बड़ी देखने को मिलती है 6000mAh की और 15W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। साथ ही इसमें आपको साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। अगर बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर के बारे में तो एंड्रॉइड 11 के साथ सैमसंग One UI देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों बात करें अगर कैमरा के बारे में तो क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिला 64, 8, 2 और 2 का। सभी आपको सेंसर देखने को मिलता है, अल्ट्रा वाइड एंगल बोलिए, मैक्रो सेंसर या फिर डेप्थ सेंसर कैमरा, सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। फोटोज आपको डिसेंट लेवल का निकाल कर दे देगा, अच्छा खासा फोटो भी निकाल कर देता है HDR मोड में भी, और सैमसंग का कैमरा है तो अच्छा खासा फोटो भी निकाल कर देगा। 20 MP का आपको सेल्फी शूटर देखने को मिलता है जो कि आपको अच्छा फोटो निकाल कर ये भी देने वाला है। अगर बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में तो 30 FPS पर फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग करके देता है। और इस फोन में दोस्तों आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, सिंगल स्पीकर के साथ देखने को मिलता है और साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। एक नॉन चाइनीज फोन है, इसके साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों पांचों फोन में से कौन सा फोन आपको ज़्यादा बेटर लगा और आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही वीडियो में कोई भी मिस्टेक हुई तो हमें कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। साथ ही वीडियो आपको हेल्पफुल लगा और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।